हाय इंडियन गेमर, मैं हूँ अजय। आप देख रहे हो जेरोक्स वाईटी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फायरलाइट के रिगार्डिंग बात नहीं करने वाले। एक्चुअली यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे एक दोस्त को। जी हाँ, उसने एक ब्लूटूथ डिवाइस लिया है, मतलब कि हेडसेट लिया है उसने ब्लूटूथ का। जी हाँ, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो उसका जो साउंड है वो पबजी मोबाइल खेलता है और उसका जो साउंड है वो बहुत ही डिले हो रहा है। तो एक्चुअली में मैंने भी इसे सजेस्ट किया कि तू ऐसे ऐसा कर, और जो उसे रिस्पांस मिला एकदम ये सॉल्यूशन करने के बाद में, वो बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं उसी के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आया हूँ। तो आप किसी भी तरह का ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करते हो और आप पबजी वगैरह खेलते हो, सीडियो खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, साउंड में बहुत डिले आता है, इसलिए आप एनिमी को नहीं मार पाते, फुट स्टेप क्लियर साउंड नहीं आता। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो ये आपको ट्यूटोरियल पूरा देखना होगा कैसे क्या करता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि जो साउंड है बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें अबाउट फोन का हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हम इस पर टैप करेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं कि वर्जन हमें एक शो हो रहा है और बेस बैंड एंड कर्नल हमें दिख रहा है ऑप्शन। तो हमें इस पर वापस से एक बार क्लिक करना है। चलिए, इसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कि RMX 1851 और बिल्ड नंबर ये है। तो हमें बिल्ड नंबर को प्रेस करना है जब तक कि डेवलपर ऑप्शन हमारा यहाँ पर नीचे शो नहीं हो जाता कि आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे तो फ़िलहाल ऑलरेडी ऑन था डेवलपर ऑप्शन, तो मैं बैक जाऊँगा। चलिए बैक आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिशनल सेटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। तो एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेवलपर ऑप्शन हमें मिल चुका है। चलिए इस पर हम क्लिक करना है। इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें यहाँ पर ब्लूटूथ AVRCP वर्जन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पर टैप करना है और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो AVRCP 1.4 डिफ़ॉल्ट है, हमें इसे डिफ़ॉल्ट पर ही रहने देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन निकल कर आता है वो ये है, ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक। तो इस पर टैप करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन क्वालकॉम प्रोसेसर है। जी हाँ, जो हमारा प्रोसेसर है वो क्वालकॉम का प्रोसेसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन दिख रहा है हमें APTXTM HD Audio। जी हाँ, हमें इसी पर ही क्लिक करना है एक बार। चलिए, इस पर क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है, ब्लूटूथ ऑडियो सैम्पल रेट। अब इसे आप अपने अनुसार आपके हेडसेट या अपने लीड के मुताबिक सेट कर सकते हो ऑडियो को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो आप इसे यूज सिस्टम सिलेक्शन डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दीजिए। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन निकल कर आया उसका नाम है ट्रिगर ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक सिलेक्शन। तो यहाँ पर आप इसे भी डिफ़ॉल्ट पर रहने दीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लूटूथ ऑडियो चैनल मोड। जी हाँ, हमें ये मोड स्टेरियो पर करना है। आप गेम खेलते हो जैसे कि कोई भी बैटल रॉयल या फिर कोई मल्टीप्लेयर गेम लाइक COD, पबजी मोबाइल, फ्री फायर, तो ये ऐसे गेम है ना, इसके अंदर हमें फुट स्टेप तो आनी ही चाहिए कुछ भी हो जाए।
इसी के लिए आपको ये जो मोनो और स्टेरियो हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो हमें एक सेलेक्ट करना है, उसका नाम है स्टेरियो। अगर आपने स्टेरियो ऑन कर लिया तो आपको बहुत ही ज़्यादा फुटस्टेप क्लियर साउंड सुनाई देंगे। जी हाँ, हमें इस पर ही क्लिक करना है। और जो हमारे यहाँ पर जो काम है वो पूरा हो चुका है, तो हम एक बार हमारा जो गेम है उसे एक बार वापस से ओपन करके चला लेंगे। तो यहाँ पर मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरा जो प्लेयर था वो अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छा यहाँ पर ऑडियो आ रहा है, कोई भी डिले नहीं आ रहा ऑडियो के अंदर। तो ये चीज आप भी कर सकते हो अपने डिवाइस में, अगर आप कभी साउंड डिले विले हो रहा है तो। और वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूँ अजय, आप देख रहे हैं जेरॉक्स वाइट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाई।